नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सितारों का आईना में। इस प्रोग्राम में हम बताते हैं हर फिल्म में सितारों से जुड़े आईने, और आईने वो होते हैं उनके दर्शक, क्योंकि हमेशा वही उन्हें देखते हैं और उनका सही बुरा भला सब कुछ वही बताते हैं। हर फिल्मों की तरह इन दिनों एक और ऐसी ही फिल्म है जो रिलीज तो नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ नाम से कई समय के लिए सुर्खियों में बनी रही। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि आज हम किसी सितारे का आईना नहीं बल्कि किसी फिल्म का आईना बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में खेसारी नहीं है। अब आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मेहंदी लगा के रखना 2 फिल्म के बारे में, जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। वैसे तो कई लोग इस फिल्म के विरोध में टीजर आने से पहले से ही थे, लेकिन टीजर देखने के बाद कुछ लोगों को इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी और शूटिंग शुरू होने से ही ये फिल्म लोगों की जुबान पर बनी हुई है, क्योंकि इस फिल्म के पहले पार्ट का जादू ही लोगों पर कुछ इस कदर से चढ़ा था। तो इस फिल्म का आईना आज हम लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। कुछ लोग अच्छा भी कहेंगे, कुछ लोग बुरा भी कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी इस फिल्म से जुड़ी दर्शकों की अच्छी और बुरी दोनों प्रतिक्रियाएं। लेकिन उससे पहले देख लीजिए इस फिल्म से जुड़ी ये खबर। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक के बाद एक फिल्में रिलीज होने का सिलसिला बरकरार है, लेकिन यो तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में आपको और भी कई सारी फिल्में देखने और सुनने को मिलने वाली हैं, क्योंकि कई सुपरहिट फिल्में ऐसी हैं जिन पर लोगों की नजरें बरकरार हैं, और यही चर्चित फिल्में एक साथ रिलीज हो जाएं। क्योंकि एक तरफ खेसारी की फिल्म डमरू का ट्रेलर रिलीज होने के बाद दर्शकों का इंतजार है इस फिल्म के रिलीज होने का, तो वहीं चिंटू की फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 के टीजर ने भी सनसनी मचा दी है। जी हाँ, हाल ही में सूत्रों से ये खबर हाथ लगी है कि ये दोनों ही फिल्में आने वाले दिनों में एक साथ रिलीज हो सकती हैं। वेल, अगर ऐसा हुआ तो दर्शकों के लिए परेशानी जरूर हो सकती है, क्योंकि दोनों के फैंस बहुत ज़्यादा हैं और ट्रेलर टीजर देखने के बाद दोनों ही फिल्मों का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से है। तो फिल्म हिट होगी या नहीं, ये दर्शकों के हाथ में ही है। साथ ही जब फिल्म रिलीज होगी तभी इस फिल्म के कलेक्शन और लोकप्रियता का पता लगाया जा सकता है। लेकिन अब समय हो चुका है उन लोगों को एक कमेंट जानने का और सुनने का, जिन्हें ये फिल्म बेहद पसंद आई, जिन्हें ये कहानी बेहद पसंद आई, जो चिंटू के एक्टिंग से खुश हैं, जो फिल्म मेकर से खुश हैं। तो आ रही हूँ मैं वापस आलोचक लोग को पकड़ कर, लेकिन उससे पहले डालिए अच्छे कमेंट्स पर और प्यार भरे कमेंट्स पर एक नज़र। देखिए भाई, जहाँ एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो खेसारी के बिना ये फिल्म नहीं देखेंगे अगर चिंटू इस फिल्म में हुए, तो साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिन्हें चिंटू को इस फिल्म में देखना काफी पसंद आएगा, जो चिंटू को इस फिल्म में देखने का इंतजार कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे उन लोगों का आईना जो मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2 में चिंटू को देखना चाहते हैं। रमन सत्या हैं पहले कमेंट करने वाले, पहले मैसेज करने वाले, जो लिखते हैं खेसारी से बहुत अच्छा है, लव यू चिंटू। यानी खेसारी लाल यादव की तुलना में इन्हें चिंटू काफी ज्यादा पसंद है। अंकित पाठक लिखते हैं मेहंदी लगा के रखना 3 में खेसारी एंड चिंटू चाहिए और हीरोइन काजल एंड प्रीति चाहिए 2019। वेल, अंकित पाठक ने अपनी फरमाइश बताई है, अपनी चाहत बताई है, ये चाहते हैं कि 2 में तो चिंटू आए ही, लेकिन 3 में खेसारी और चिंटू दोनों आए और ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हो। अंकित पाठक लिखते हैं और ये फिल्म अब फ्लॉप होना मुश्किल है, यानी कि इन्होंने ये भी कह दिया है अगले मैसेज में कि अगर मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2 में खेसारी की जगह चिंटू आते भी हैं तो भी फिल्म फ्लॉप नहीं होगी। अमनुल्ला अंसारी ने लिखा है चिंटू उभरता हुआ सुपरस्टार है। वेल, अमनुल्ला ने वही बात कही है जो कई लोग कहते हैं। हर कोई कहता है कि चिंटू एक उभरता हुआ सितारा है जो बहुत जल्द भोजपुरी सिनेमा में चमकेगा, भोजपुरी सिनेमा को चमकाएगा और इस सिनेमा को एक ऊंचे शिखर पर लेकर जाएगा। अकरम आर्टी ने लिखा है जरूरी नहीं कि खेसारी हो तभी मूवी चलेगी, हमें स्टोरी से मतलब है ना कि हीरो से, हम खुद हीरो है। वेल, अकरम जी कहते हैं कि उन्हें तो अपने आप में ही है कि हीरो नजर आता है और जरूरी नहीं है कि सिर्फ खेसारी से मूवी चले, अगर मूवी की कहानी अच्छी है तो डेफिनेटली जरूर लोग इसे पसंद करेंगे। लाल प्रसाद रॉय ने लिखा है चिंटू इज मच बेटर देन खेसारी इन एवरीथिंग। देखिए जरा, जहां लोग हमेशा कहते हैं चिंटू का खेसारी से कोई मुकाबला नहीं है, तो इन सब के बीच लाल प्रसाद रॉय जैसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि चिंटू खेसारी से बहुत अच्छे हैं।
आयान खान ने लिखा है सुपर हिट होगी मूवी। देखिए जरा, जहां आलोचक जो हैं वो कह रहे हैं कि मूवी फ्लॉप होगी, वहीं ऐसे सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं चिंटू को, जो कह रहे हैं चिंटू आएंगे फिल्म हिट होगी। ये था आईना फिल्म मेहंदी लगा के रखना पार्ट टू का, जिसकी तैयारियां भी अब तक शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके फैंस की प्रतिक्रिया हमने आपको बताई किस तरह से कुछ लोग हैं जो सिर्फ खेसारी को देखना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ चिंटू को देखना चाहते हैं। ये था इस फिल्म के दूसरे भाग का आईना। तो भाई अच्छे अच्छे कमेंट्स तो आप लोग देख ही चुके हैं, लेकिन अब समय आ चुका है उन लोगों के कमेंट्स जानने का जो इस फिल्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए सीधा सीधा वो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। तो विरोध में कैसे छलका है दर्शकों का गुस्सा, ये देखना भी जरूरी है और दिलचस्पी भी है। तो देखिए जरा कि कैसे इस फिल्म को लेकर लोगों का गुस्सा भड़का है कमेंट के जरिए, देखिए। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म मेहंदी लगा के रखना उस वक्त की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, फिल्म जब रिलीज हुई कामयाबी के कई झंडे गाड़ दिए इस फिल्म ने, कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े और साथ ही कई नए रिकॉर्ड्स बनाए भी। और आज इस खास प्रोग्राम में हम इस फिल्म का ही आईना दिखाने जा रहे हैं। वेल, इस सुपरहिट फिल्म का आने वाला है सीक्वल, और कहा जा रहा है कि इस फिल्म के सीक्वल में खेसारी लाल यादव नहीं बल्कि नजर आएंगे चिंटू। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस खबर पर नेगेटिव प्रतिक्रिया की, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की, सबसे पहले हम दिखाएंगे आप सभी को वो मैसेजेस जिसमें लोग ये कह रहे हैं खेसारी नहीं तो मेहंदी लगा के रखना पार्ट टू बिल्कुल फ्लॉप होगी। यानी कि ये जो कमेंट्स हैं, ये जो मैसेजेस हैं, ये नेगेटिव मैसेजेस हैं जो चिंटू के लिए आए हैं। सबसे पहला है चंदपुर क्रिएशन, जिन्होंने लिखा है खेसारी भैया के बिना स्टोरी सुना है फ्लॉप मूवी। यानी कि अगर खेसारी लाल यादव फिल्म में नहीं है तो मेहंदी लगा के रखना पार्ट टू हो जाएगी फ्लॉप। मुकेश माय चैनल लिखते हैं खेसारी भैया द बेस्ट, खेसारी भाई होते तो और मजा आता, फ्लॉप मूवी होगी। वेल, देखिए जरा, अब तक तो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई लेकिन लोगों ने फिल्म को फ्लॉप कहना शुरू कर दिया है। आशा यादव लिखती हैं चिंटू जी आप में ऐसे कपड़े सूट नहीं करते, यानी कि अगर चिंटू खेसारी लाल यादव जैसे कपड़ों में नजर आएंगे तो आशा यादव को बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन आशा यादव ने चिंटू को बड़ी ही इज्जत दी है इस कमेंट में, जिसकी हम वाकई इज्जत करते हैं। संजय महतो खेसारी लिखते हैं खेसारी भैया के बिना मजा नहीं आया। युगराज यादव ने लिखा है कल का पैदा हुआ लौंडा खेसारी का टाइटल की जगह नहीं ले सकता, हम और हमारे ऑल फ्रेंड ने एक और दो नहीं देखने जाएंगे क्योंकि खेसारी नहीं है इसमें। यानी कि युगराज यादव जो हैं उनका कहना ऐसा है कि चिंटू जिन जो अभी अभी भोजपुरी सिनेमा में आए हैं, जिनका खेसारी जितना बड़ा नाम नहीं है, वो इस फेमस इस सुपरहिट फिल्म के सीक्वल में खेसारी की जगह ले ही नहीं सकते। और साथ ही युगराज ने साफ ये भी बात कह दी है कि वो और उनके फ्रेंड्स ये फिल्म देखने जाएंगे ही नहीं। नितेश कुमार ऑफिशियल ने लिखा है बकवास बाप। विजय कुमार लिखते हैं धोखेबाज साले चिंटू। वेल, तो देखिए जरा, जितने भी ये लोग हैं जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी ये बात, अगर मेहंदी लगा के रखना पार्ट टू में खेसारी की जगह चिंटू आएंगे, और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो हम फिल्म देखने ही नहीं जाएंगे। आज मेहंदी लगा के रखना टू पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं, जिसे देखने के बाद आपको पता चल ही चुका होगा कि ये फिल्म दर्शकों की नजरों में कैसी इमेज बना चुकी है। तो चलने का समय हो चुका है, अगली बार फिर मिलेंगे किसी और फिल्म या स्टार से जुड़े आईने को लेकर, लेकिन तब तक के लिए आपको हमें देना होगा इजाजत। नमस्कार। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाए। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।